शुरू करें। नमस्कार दोस्तों, आपको मालूम है कुछ हफ्तों पहले सीबीआई ने मनीष सिसोदिया जी के घर 14 घंटे तक रेड मारी, उसमें कुछ नहीं मिला। 6 घंटे तक पूछताछ की, सारे सवालों के जवाब मनीष जी ने सीबीआई को दिए, उसमें कुछ नहीं मिला। अपने ही अफसर के ऊपर सीबीआई ने इतना दबाव बनाया मनीष जी को झूठा फंसाने के लिए, जिसके बारे में कई वेब पोर्टल्स में छपा कि ऑफिसर हु वाज इन्वॉल्व्ड इन द सो कॉल्ड लिकर कंट्रोवर्सी कमिटेड सुइसाइड। मैंने कल ट्विटर पे भी डाला, उस आदमी ने सुसाइड कर लिया, उस अफसर ने, और सीबीआई ने बाद में उसको डिसोन कर दिया कि वो अफसर तो इसमें काम ही नहीं करते थे, जबकि अखबारों के अंदर रिपोर्ट है और कई मीडिया चैनल्स पर उस दिन ये खबर चली, जहां पे हमने देखा कि इसकी केस से जुड़े हुए, लिकर कंट्रोवर्सी से जुड़े हुए अफसर ने सुसाइड किया, मगर इनको कुछ नहीं मिला। कल एक नकली स्ट्रिंग लेके आए, लोगों ने खूब मजाक उड़ाया भारतीय जनता पार्टी का, उसमें कुछ नहीं मिला। और आज हमें बताया गया मीडिया के माध्यम से कि कई जगहों पे ईडी की रेड है। अब हमें नहीं मालूम कि ये कहां पे रेड डाल रहे हैं, मगर इतना जरूर मालूम है कि सुबह सुबह कई टीवी चैनल मनीष सिसोदिया जी के घर पे स्टेशन थे, उनको ईडी के सोर्सेज ने बताया होगा कि भाई इनके यहां छापा मारना है। चैनल्स बाहर खड़े थे मगर ईडी नहीं आई। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है और आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी अच्छी बात है कि जैसे सीबीआई ने अपनी रेड कर मारने के बाद और अपनी क्वेश्चनिंग के बाद मनीष जी को क्लीन चिट दी, आज ईडी ने भी मनीष सिसोदिया जी को क्लीन चिट दे दी। सब जगह गई ईडी, टेलीविजन चैनल्स को खबर दी कि मनीष जी के घर जाएंगे, मगर अंततः आखिरी में मुझे लगता है ईडी वालों के हाथ पैर ठंडे हो गए और उन्होंने कहा यहां जाने का मतलब है बेइज्जती कराना है, तो इनको तो छोड़ दो, तो अब छापे चाहे पूरी दुनिया में मार लें। ये बात तय हो गई कि सीबीआई और ईडी की तरफ से मनीष सिसोदिया जी को क्लीन चिट मिल गई है। ईडी ने मनीष जी के घर पे आज जो है कोई भी रेड नहीं मारी है, कोई भी छापा नहीं मारा। कई जगह मैंने सुना है कि ये छापा मार रहे हैं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचार से लड़ रहा हूं, मैं देशवासियों से जानना चाहता हूं, सारे देश को खबर है। कुछ दिनों पहले, शायद एक या दो दिन ही हुए हैं, मध्य प्रदेश के सीधा मुख्यमंत्री पे आरोप लगा है कि बच्चों को जो स्कूल में खाना मिलता है, गर्भवती महिलाओं को जो पोषण का खाना मिलता है, उसके अंदर लूट की और करीब 2,500 करोड़ के प्रोजेक्ट के अंदर घोटाला किया गया है। और वो डिपार्टमेंट सीधा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अंदर आता है, इसलिए सीधा आरोप उनके ऊपर है और ये आरोप किसी अपोजिशन पार्टी ने नहीं लगाया। उनकी स्टेट के मध्य प्रदेश के ऑडिटर जनरल ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर कहा है कि इसके अंदर बड़ा घोटाला हुआ है, 49 लाख लोगों को इसके अंदर रजिस्टर किया हुआ था और कुछ हजार लोग ही मिल पाए हैं, और जो सैकड़ों मीट्रिक टन अनाज जिसकी ढुलाई होती थी गोदाम से लेकर स्कूलों तक, जब उसकी ऑडिट की गई तो वो पता चला वो जो ट्रकों के नंबर थे वो तो मोटरसाइकिलों के नंबर निकले, टैंकरों के नंबर निकले, पानी के टैंकरों के, स्कूटरों के नंबर निकले। तो 2,500 करोड़ के प्रोजेक्ट के अंदर मध्य प्रदेश में घोटाला हुआ है। क्या आपने सुना कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ हूं, आज ईडी का छापा, मध्य प्रदेश सरकार क्या लगेगा या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऊपर आज सीबीआई का छापा लगेगा?
आज सीबीआई मध्य प्रदेश के अंदर एफआईआर दर्ज करेगी? नहीं। प्रधानमंत्री जी की लड़ाई भ्रष्टाचार से नहीं है। गुजरात के अंदर कई रिपोर्टर अब तो घूम के आए हैं, सबको पता है, हर होटल के अंदर शराब की होम डिलीवरी मौजूद है, हर गांव के अंदर कच्ची शराब बनती है, जहरीली शराब से पिछले 3 हफ्ते पहले 70 से ज्यादा लोग गुजरात में मारे गए। पूरा गुजरात ड्राई स्टेट होने के बावजूद एक तय तरीके से एक पूरे नेटवर्क, एक नेक्सस के तहत गुजरात में हर शहर और हर गांव में शराब बिकती है। क्या प्रधानमंत्री जी ने कोई सीबीआई का केस रजिस्टर किया? क्या ईडी ने कहीं पे शराब कारोबारियों के यहां छापा मारा गुजरात में कि ये शराब गुजरात में आती कहां से है, बिकती कैसे है, कैसा इतना बड़ा ट्रांजैक्शन चल रहा है, सारा फोन पे होम डिलीवरी हो रहा है और किसी को पकड़ा ही नहीं जा रहा है इतने बड़े नेटवर्क को? क्योंकि प्रधानमंत्री जी की लड़ाई भ्रष्टाचार से नहीं है, प्रधानमंत्री की लड़ाई अरविंद केजरीवाल से है। प्रधानमंत्री जी इसको छुपाना चाहते हैं कहके कि मेरी लड़ाई भ्रष्टाचार से है। अगर भ्रष्टाचार से लड़ाई होती तो आज गुजरात के अंदर ईडी छापा मार रही होती, आज शिवराज सिंह चौहान के यहां सीबीआई छापा मार रही होती, मगर ये लड़ाई सिर्फ अरविंद केजरीवाल से है। और अरविंद केजरीवाल को किसी तरीके से शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी के जो काम हो रहे हैं उसको किसी तरीके से रोकने की पूरी कार्रवाई है। और मैं ये जानता हूं कि सारा देश ये देख रहा है कि ये लड़ाई सिर्फ अरविंद केजरीवाल से है, भ्रष्टाचार से इस लड़ाई का कोई लेना देना नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पास कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। अरे भैया, मुख्य आरोपी के घर ही नहीं गई ईडी, मतलब बारात गई और कह रहे दूल्हे के यहां नहीं जाएगी बारात, इस बार कहीं और जाएगी। ऐसी कोई बारात देखी है? बारात लेके चले ईडी वाले, बैंड बाजों को भी बुला लिया, आपको मीडिया वाले, बैंड बाजे वाले सब आ गए शोर मचाने वाले, और बारात दूल्हे के घर नहीं जा रही, और आप कह रहे नहीं दूल्हा तो यही है, तो भाई बारात वहां कहां ले जा रहे हो? तो इसका मतलब ईडी ने दूल्हा बदल दिया, अब कोई नया दूल्हा ढूंढ रही है ईडी, यह बात तो तय है। मतलब 30 दिन से बीजेपी वाले कह रहे हैं मुख्य आरोपी मनीष सिसोदिया, मुख्य आरोपी मनीष सिसोदिया, अब मनीष सिसोदिया के घर जो है ईडी गई नहीं, ये तो बड़ी अजीब बात है। अगर ईडी आगे इन्वेस्टिगेशन में मनीष सिसोदिया के घर, डिप्टी सीएम के घर रेड करती है तो फिर आपका स्टांस क्या चेंज होगा? मुझे लग रहा है कि कईयों की आत्महत्या फिर ईडी में भी करवाएंगे। अगर ये दबाव फिर ईडी में भी बनाएंगे कि भाई ये तो फिर स्क्रिप्ट गड़बड़ होगी, तो ये जो दबाव बनाने की राजनीति है ये जो है केंद्र सरकार को बंद करनी पड़ेगी, वरना अफसर विद्रोह कर देंगे इनके खिलाफ। अफसर बहुत दुखी हैं इनसे, सारी राजनीति ये अफसरों के माध्यम से करा रहे हैं, अफसर इनसे बहुत दुखी हैं। सर, बिहार के नीतीश कुमार जी यूनाइटेड ओपोजिशन बनाने की राजनीति में लगे हैं और वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के बिना नहीं हो सकता, वो इस सिलसिले में दिल्ली आए हुए हैं और जीत मिश्रा अरविंद केजरीवाल जी से भी मिलने वाले हैं, इस यूनाइटेड ओपोजिशन के आइडिया पे आम आदमी पार्टी का क्या कहना है? देखिए, हम तो चाहते हैं इंडिया अगेंस्ट बीजेपी होना चाहिए, अपोजिशन अगेंस्ट बीजेपी नहीं, इंडिया अगेंस्ट, पूरे भारत को खड़ा करो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। इनसे सब लोग दुखी हैं, किसी को भी छोड़ना नहीं है, पूरे भारत को इकट्ठा होना है। और कोई सवाल है? सर, कल एलजी की तरफ से कहा गया है कि 48 घंटे के अंदर जवाब दीजिए, जो आपने आरोप लगाए 1400 करोड़ घोटाले वाले, आप कहीं का को लीगल नोटिस भिजवाएगा? अच्छा, एक बात बताओ, तरीका क्या होता है? भारतीय जनता पार्टी हम पे आरोप लगाती है, हम उन आरोपों का जवाब देते हैं, फिर वो नए लगाते हैं, हम उनका जवाब देते हैं। हमने एलजी साहब के ऊपर आरोप लगाए हैं, जवाब तो एलजी साहब को देना है। एलजी साहब पब्लिक डोमेन के अंदर हैं और आरोप कोई बेबुनियाद नहीं लगाए, हमने सबूतों के साथ रखे हैं। क्या एलजी साहब की बेटी को बॉम्बे में स्थित खादी लाउंज का काम दिया गया है, नहीं दिया गया, एलजी साहब बताएं? उन्होंने बोल दिया दिया गया, ये बात मान ली उन्होंने। अब हमने उनसे पूछा कि किस नियम और प्रक्रिया के तहत दिया, क्या प्रोसीजर फॉलो हुआ, वो एलजी साहब बताएं। भाई, एलजी साहब की जो 3 महीने से दिल्ली सरकार से लड़ाई है वो प्रोसीजर की तो है कि भाई ये प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ, ये फॉलो नहीं हुआ, इसने साइन नहीं किया,
ये कैबिनेट नहीं गया, ये नहीं गया, वो नहीं गया। हम भी तो एलजी साहब से पूछ रहे हैं, भाई आपने अपनी बेटी को काम दिया, उसके अंदर कोई तो प्रोसीजर फॉलो किया होगा, वो एलजी साहब बता दें। अब एलजी साहब तो डरा धमका रहे हैं विधायकों को, कह रहे हैं कि मैं मानहानि का मुकदमा करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। अरे भाई आप इतनी प्रेस रिलीज देते हैं दिन में, आप एक बार प्रेस को बताएं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ही बता दें कि भाई ये प्रोसीजर था जो फॉलो हुआ। एलजी साहब को दिक्कत है, खादी ग्राम उद्योग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दे, वो तो उन्हीं का केंद्र सरकार का महकमा है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दे कि भाई ये था, इस दिन एडवर्टाइजमेंट निकली, इस दिन इतने एप्लीकेंट्स ने अपना नाम दिया, हमने उनके इंटरव्यू लिए, उनका टेस्ट लिया या उनका पोर्टफोलियो देखा, उसके अंदर से हमने कहा कि एलजी साहब की बेटी को चुन लिया और इस तरह से हमने उनको दे दिया, तो बड़ा आसान है। मगर कोई ड्राइंग रूम में कोई ना खादी उद्योग की की चीजें बट सकती हैं, फिर मतलब प्रोसीजर नहीं हुआ, तो एलजी साहब बोले इस बात को, प्रोसीजर फॉलो हुआ या नहीं हुआ। अब मनीष जी तो कोई नहीं इनके ऊपर डिफेमेशन कर रहे, मनीष जी कह रहे मेरे ऊपर आरोप लगा, आप जांच करा लो। एलजी साहब जांच कराने के लिए आई नहीं रहे, हमें तो बड़ी उम्मीद थी एलजी साहब की इज्जत बढ़ती अगर एलजी साहब कहते आई एम रेडी फॉर एनी इंक्वायरी एनी इन्वेस्टिगेशन, आई वेलकम ऑल द इंक्वायरीज एंड इन्वेस्टिगेशन। क्या दिक्कत थी इसके अंदर, इसमें कोई बदनामी घटती या बढ़ती, इसके अंदर क्लीन चिट मिल जाती, जो प्रोसीजर होता वो देख लेती, जो भी सीबीआई से कराते या किसी इंडिपेंडेंट जज से कराते उसके अंदर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। हमारी और बदनामी होती अगर एलजी साहब को क्लीन चिट मिल जाती, तो हमारी असली बदनामी होती कि भाई हमारे आरोप झूठे थे। ये नहीं, मतलब बेटी वाला मान लेते हैं कि कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ, माना है उन्होंने भाई। देखो मैं तो सिर्फ वो चीज बता सकता हूँ जो हमने बोली प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो मैंने बोली, मैंने दो चीजें बोली हैं और हम उस पर अड़े गए। एलजी साहब जब खादी के चेयरमैन थे तो उनके हेड कैशियर ने, और जब वो छुट्टी गया तो उसकी जगह जो दूसरा हेड कैशियर बना उसने, एक संजीव कुमार था और एक कोई यादव था, प्रदीप यादव नाम भी याद हो गया मुझे तो, इन दोनों ने कहा कि नोटबंदी के वक्त कुछ लाख रुपए बदले गए और वो पैसा उनको उनके मैनेजर और फ्लोर मैनेजर ने कहा कि वो एलजी साहब का पैसा है, यानी कि उस वक्त के चेयरमैन वीके सक्सेना साहब का पैसा है और इसको आपको बदलना ही होगा, और उन्होंने लिखित स्टेटमेंट दी है। हमने ये कहा कि इसकी इंडिपेंडेंट जांच होनी चाहिए, इसके अंदर क्या गलत कहा है मुझे तो नहीं समझ में आ रहा, एलजी साहब को मुझे तो लगता है खुद कहना चाहिए कि हाँ इसके अंदर इंडिपेंडेंट जांच होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो, तो बहुत जरूरी है। और कोई सवाल है? नहीं मुझे नहीं मिला अभी तक। अरे तो ठीक है ना भाई, कोई पहला नोटिस आया क्या हमें जिंदगी में, ये बताओ तुम तो।